हेलो गाइस, हम आप सभी के लिए एक न्यू डेमो वीडियो को लाया है। तो इस वीडियो का एम यही है कि हम आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में एक थोड़ा आइडिया दे सके कि हम हमारे कोर्स में कौन से चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको एक क्रक्स मिल जाएगा इस पर्टिकुलर डेमो वीडियो की मदद से कि हम क्या सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। राइट नाउ, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास ये एक मॉडल है जो कि एक एसटीएल फाइल है, रादर एक एसटीएल फाइल है ना, जो कि एक फेसेट बॉडी होती है। तो वो क्यों होती है, तो उसके बारे में हम कोर्स में इन डिटेल में सीखेंगे। राइट, अब सबसे पहले हम जब भी एसटीएल फाइल हमें मिलती है रिवर्स इंजीनियरिंग को करने के लिए, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें मेक श्योर करनी होती है, जैसे कि जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो कि मॉडलिंग में हेल्प होती है ना। सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड है उसे मैं चेंज करूंगा, हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। उसका रीजन ये है कि बैक जब भी हम ब्लैक बैकग्राउंड को यूज करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट हमें अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि एसटीएल फाइल पे बहुत सारे डिफॉर्मेशंस होते हैं या फिर कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट है ना, वॉ पे जाया हुआ है। तो इसी प्रकार से और डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होल प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ है ना। तो इस सारी चीजों को बेहतर तरीके से देखने के लिए ब्लैक बैकग्राउंड में होती है। नेक्स्ट चीज, हमारे आंखों पे भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं आता है ना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज करूंगा। राइट, तो हम जाएंगे प्लेन में, यहाँ पे भी हमें प्लेन में जाना है। उसके बाद हमें कलर सिलेक्ट करना है जो कि होगा ब्लैक। फाइन एंड ओके, ग्रेट। अब दूसरी चीज जो आती है वो है हमें हमारे एसटीएल फाइल का कलर चेंज करना है। तो मैं जो कलर प्रेफर करता हूँ वो है ब्राउन कलर। उसका रीजन भी यही है कि ब्लैक कलर के ऊपर अगर हम ब्राउन कलर का एसटीएल फाइल यूज करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट अच्छे से मिलता है। राइट, तो मैं कंट्रोल जे को प्रेस करूंगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर एसटीएल फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके, और फिर हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्राउन कलर यूज करेंगे एंड देन ओके। फाइन, सो ये है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी होती है वो है, जैसे कि आप अभी मेरे कर्सर को देख सकते हैं, इसका जो साइज है वो स्मॉल है, बट रिवर्स इंजीनियरिंग करते वक्त हमें थोड़ा सा जो क्रॉस हेयर है, हमारा कर्सर है, वो लार्जर साइज का चाहिए। तो उसके लिए मैं उसे लार्जर साइज का चूज करूंगा। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर सेक्शन में शो क्रॉस हेयर है, तो इसकी मदद से हमें क्रॉस हेयर ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। राइट, तो हमें इसकी मदद से हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट देखने की इजीली हो जाता है ना, हम इजीली उसे देख सकते हैं। राइट, तो अभी मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। फाइन, ग्रेट। तो अब जो है हम हमारी मॉडलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉडल को आइसोमेट्रिक व्यू में शिफ्ट करता हूँ, तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करता हूँ, जिसका शॉर्टकट होता है, तो इस पर्टिकुलर फाइल के लिए इसका आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरह से है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट है फाइल का वो बहुत ही डिफरेंट है। राइट, तो हमें जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हम इस तरह के अलाइनमेंट की मदद से मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि मॉडल का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो, मीनिंग उसका जेड डायरेक्शन प्रॉपर हो, एक्स एंड वाई डायरेक्शन भी प्रॉपर हो। अब इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए मुझे चाहिए, जो हमारा मॉडल है उस ओरिएंटेशन मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। बेसिकली ये मुझे उसका आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर एसटीएल फाइल को अलाइन करना पड़ता है। राइट, तो अब वो किस तरह से किया जाए, तो जब भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी फाइल को अलाइन करते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं अलाइन करने के, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट कि वो कंपोनेंट कौन सा है, क्या वो प्रिज्मेटिक पार्ट है, क्या फिर वो एक्सिसमेट्रिक पार्ट है, या फिर कोई एक जनरल 3D कंटोर पार्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी जो अलाइनमेंट की मेथड है वो डिफरेंट होती है। बेसिकली हर एक मॉडल के लिए हमें डिफरेंट अलाइनमेंट मेथड का यूज करना पड़ता है। उसमें भी हमें Z एक्सिस में अलाइन करने के लिए कोई डिफरेंट मेथड यूज करनी होगी, फिर X और Y एक्सिस में अलाइन करने के लिए कुछ और डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है। राइट, तो अब इस पर्टिकुलर मॉडल को अलाइन करने के लिए मैं सबसे पहले इसे Z डायरेक्शन में अलाइन करूंगा। राइट,
तो अभी आप देख सकते हो जेड डायरेक्शन कुछ टूवर्ड्स द राइट है, बट मुझे चाहिए कि वो हमेशा अपवर्ड हो। उसका रीजन और एक भी होता है, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो अगर हम उसका आगे चल के मोल्ड भी बनाते हैं तो हम हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि उसकी ड्राइंग डायरेक्शन को रखते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए भी उसे जेड डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या मेथड को यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से इजीली हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में अलाइन कर सके। तो उसके लिए जो है हमारे पास मल्टीपल फेसेस है यहाँ पे, तो हमें किस फेस का यूज करना चाहिए। तो मोस्टली हम जेड एक्सिस में अलाइन करने के लिए कोई प्लेनर फेस का ही यूज करते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर मॉडल में हमारे पास ये जो टॉप पे है यहाँ पे एक प्लेनर सरफेस है, फिर उसके बाद हमारे पास ये बॉटम में भी प्लेनर सरफेस है, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम बॉटम साइड ऑल्सो यहाँ पे एक प्लेनर सरफेस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर बॉटम फेस का यूज करूंगा इसे जेड डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए, राइट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर फेस पे एक प्लेन को क्रिएट करूंगा, राइट। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि ये पॉइंट ऑन फेस का जो ऑप्शन है उसे आप ऑन रखिए, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने मेथड को इन्फर्ड ही रखा है, मैंने कोई एक स्पेसिफिक डेटम क्रिएशन मेथड को यूज नहीं किया है, राइट। एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लेन बन चुका है। अब मेरा जो एम है वो ये है कि मुझे चाहिए कि हमारा जो डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस प्लेन पे आ जाए और उसका एक्सिस कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जो कि है मूव टूल, ठीक है। तो उस टूल का मैं यूज करूंगा। तो उस टूल को यूज करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जो कि कंट्रोल टी, तो ये मूव ऑब्जेक्ट टूल ओपन हो जाएगा। इसमें अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं किसी भी कंपोनेंट को मूव करने के लिए। तो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सबसे पहले हमें चूज करना होता है ऑब्जेक्ट, हमें कौन से ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा ये हमारी जो एसटीएल फाइल है। नेक्स्ट थिंग हमें सिलेक्ट करना होती है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें मूव करना है। हमें मूव करना है इस पर्टिकुलर प्लेन की कोऑर्डिनेट सिस्टम को, राइट, जो कि कुछ इस तरह से है। अब नेक्स्ट चीज हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से लोकेशन पे इसे मूव करना है, राइट। तो हमें इसे मूव करना है हमारे ओरिजिनल डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और मैं इसे मूव करूंगा एक्स वाई प्लेन पे कुछ इस तरह से, राइट। एंड देन लेट मी क्लिक ऑन ओके, फाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं ये जो प्लेन हमने क्रिएट किया था इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूं पहले, एंड देन इसे मैं लेयर में मूव कर देता हूं। अब हम इसे लेयर में क्यों मूव कर रहे हैं उसका भी रीजन हम सीखेंगे। मैं इसे 256 लेयर पे मूव कर रहा हूं। अब मैं इसे 256 लेयर पे ही क्यों मूव कर रहा हूं तो इसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, राइट। तो मैंने इसे मूव कर दिया है। अब मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूंगा और फिर यहां से जो 256 लेयर है इसे ऑफ कर देता हूं फिलहाल के लिए, है ना, फाइन। अब अगर मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू में शिफ्ट करता हूं या फिर मूव करता हूं तो कुछ इस तरह से हमारा व्यू आया है, राइट। मीनिंग ये जेड डायरेक्शन में प्रॉपरली अलाइन हो चुका है, ठीक है। इसको जानने का एक और तरीका है, अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखता हूं, राइट। तो इसे हम अभी टॉप व्यू से देखेंगे, तो जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड टी। तो टॉप व्यू से ये प्रॉपरली अलाइंड हो चुका है, लेकिन अब भी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में अलाइंड नहीं है। तो वो अलाइन करने की क्या मेथड होती है, तो ऑब्वियसली उसे हम डिटेल में सीखेंगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि एक डेमो वीडियो है, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, फाइन। अब एक आइडिया देने के लिए मैं ये कंसिडर करता हूँ कि इसे कंप्लीटली अलाइन कर दिया है, फाइन। अब हम एक पर्टिकुलर फीचर को क्रिएट करेंगे जो कि है ये बॉटम फीचर। तो इसे व्हाट यू मीन, इसे हमें अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि सबसे पहले हम कोई भी कंपोनेंट को अलाइन करेंगे और फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट डिफरेंट फीचर्स को क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं ये बॉटम जो रेक्टेंगुलर एक फीचर है उसे क्रिएट करने वाला हूँ। वो मैं किस तरह से करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को फ्रंट व्यू में
मूव करता हूं। तो हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से है ना, और हमारा जो प्लेन है वो जो एक्स वाई प्लेन है वो हमारे बॉटम में है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक सेक्शन कट करता हूं, उसकी मदद से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उस पॉइंट की मदद से हम एक स्केच को क्रिएट करेंगे, राइट। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम कर्व टैब में जाएंगे। वन मोर थिंग गाइज, हम हमारे कंप्लीटली ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर टैब को भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस पर्टिकुलर टैब से जो भी नेसेसरी टूल्स है वो हम सारे सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं सेक्शन कर्व का टूल का यूज करूंगा, एंड देन अब मुझे किस प्लेन के रिस्पेक्ट में सेक्शंस को कट करना है, मेथड रहेगा सिलेक्टेड प्लेन, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं हमारी एसटीएल फाइल, राइट। एंड अभी मुझे प्लेन चाहिए एक्स वाई प्लेन, तो आप यहां से भी प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये प्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेड सी को सिलेक्ट करता हूँ जो कि है एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स जेड एक्सिस, राइट। एंड हमें इसे थोड़ा सा मूव करना है। अब हम यहाँ पे सेक्शन कहाँ पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसकी भी हमें आइडिया होना जरूरी है। तो वो लेते वक्त किन चीजों को मेक श्योर करना है, वो सारी चीजों को भी हम इन डिटेल में सीखेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास सैंपल डिस्टेंस है जिसे मैं फॉर टाइमिंग वन ही रखता हूँ, वन पॉइंट जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं वन रखता हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसे वन क्यों रख रहा हूँ, पॉइंट फाइव रखूंगा तो क्या होगा, इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप प्लीज हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, है ना। एंड देन मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ। अब ये कुछ एक कंप्यूटिंग टाइम लेगा ऑब्वियसली, सेक्शन क्रिएट करने के लिए एनएक्स को थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, तो जो भी कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा उसको आपको देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। अब ये बेसिकली इस टूल के मदद से क्या हो जाएगा, ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन जिसे हमने सिलेक्ट किया है, वो प्लेन जहां पे भी इस पर्टिकुलर एसटीएल फाइल को कट करेगा वहां पे हमारे पास कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो अब मैं फिलहाल के लिए इस एसटीएल फाइल को जो है वो हाइड कर देता हूं और मैं हमारे ओरिएंटेशन को टॉप व्यू में स्विच करता हूं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट की मदद से एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा, है ना, और फिर हम उसे एक्सट्रूड कर देंगे ताकि हम हमारे बॉटम फीचर को क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे लाइंस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन टूल का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जहां पे हमारा रेडियस खत्म होता है वहां से थोड़े कुछ नीचे पॉइंट से हम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम रेडियस को गलती से भी सिलेक्ट ना करें, है ना। एंड देन हम यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसे मैं मूव कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है आप इसकी मदद से लाइन को काफी इजीली ड्रैग कर सकते हैं, राइट। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। अब सिमिलरली हमें यहाँ बाकी के साइड पे भी लाइन को क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ ये एक मेथड है, बट यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी है जिसकी मदद से हम इस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इधर साइड भी एक लाइन को क्रिएट करता हूं एंड लेट मी एक्सटेंड इट, और फिर यहाँ पे भी मैं इसे एक्सटेंड करूंगा। अब क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर फाइल को जो है वो अलाइन नहीं किया है, इसके लिए हमें चारों साइड से लाइंस को क्रिएट करना पड़ रहा है ना। अगर हमारी फाइल जो है वो प्रॉपरली अलाइंड है, सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑब्वियसली हम मिरर की हेल्प से बाकी के दो लाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, फाइन। अब हमारे पास जो है ये कुछ चार लाइंस बन चुके हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर टाइमिंग इन सारे पॉइंट्स को हाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर में पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, सारे पॉइंट्स को ड्रैग करता हूँ और इसे मैं काम करता हूँ लेयर में मूव कर देता हूँ, है ना। तो इस बार मैं इसे 100 लेयर पे मूव कर रहा हूँ। अगेन व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो ये हम कोर्स में इन डिटेल में सीखेंगे, है ना। तो मैं इसे फिलहाल हाइड कर देता हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर रेक्टेंगल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो है मुझे ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है ट्रिम कॉर्नर का यूज करूंगा। तो ये जो टूल है ट्रिम कॉर्नर का, ये थोड़ा ट्रिकी टूल है, तो इसका यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो किस तरह से करना है वो हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, है ना, फाइन। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है, अब मैं क्या करता हूं कि इसे एक्सट्रूड करता हूं। उसके लिए मैं हमारी एसटीएल फाइल को वापस से हमारे स्क्रीन पर ला लेता हूं
तो हमारे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, इसके मदद से हम बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हमारे फ्रंट स्क्रीन पर ला सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक्सट्रूड टूल यूज करूंगा जिसके मदद से हम इस स्केच को एक्सट्रूड करेंगे। बेसिकली हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं ना, और फिर मैं यहाँ पे कनेक्टेड कर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये चार कर्व्स को सिलेक्ट कर ले, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे मॉडल को फ्रंट व्यू में ओरिएंट करता हूँ और यहाँ पे अब हमें इसकी लेंथ को डालना है। तो जब भी हम इस तरह से लेंथ को एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी कंपोनेंट को रिवर्स करोगे तो आपके पास कंपोनेंट होगा तो आप उसके डायमेंशंस को मेजर कर सकते हो, वरना आप जो है नॉर्मली ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से भी इसे इस तरह से कुछ वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे भी मुझे वैल्यू डालना है तो मैं पहले -2 को डाल के देखता हूँ, नहीं आ रहा है, एंड देन आई विल जस्ट ड्रैग इट, है ना। और मैं फिलहाल तो रैंडमली ये कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी भी अप्रोप्रिएट वैल्यू को नहीं देख रहा हूँ, बस रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हम हमारे कोर्स में देखेंगे कि किस तरह से हमें वैल्यूज को एंटर करना है। फाइन, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पहला फीचर है बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटम से तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे मैचिंग आ रही है बट किसी पोर्शन पे नहीं आ रही है, तो वो क्यों नहीं आ रही है, उसका क्या रीजन है, है ना। तो वो भी हम कोर्स में इन डिटेल में सीखेंगे, हमें कितनी मैचिंग लानी है उसके बारे में भी हम अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है टॉप में तो ज्यादा मैचिंग नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली हमें इसका जो है वैल्यू को कम करना होगा, राइट। लेट मी एंटर 6.8। तो ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ साइड पे मैचिंग आई है कुछ साइड पे नहीं, तो उसका भी रीजन क्या है वो भी हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर स्केच को जो है लेट मी चेंज द सिलेक्शन टू नो सिलेक्शन, फाइन। और फिर हम इन पर्टिकुलर लाइंस को हाइड करेंगे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्लीटली ड्रैग करके इसे हाइड कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अब मैं जो है एज फिल्टर को यूज करूंगा, सॉरी एज ब्लेंड को यूज करूंगा, नॉट फिल्टर। और लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ऑल दी एजेस, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम एक रैंडम वैल्यू को एंटर करेंगे, ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है करने का, उसे भी हम कोर्स में इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। एंड लेट मी शो द रिजल्ट, तो रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैचिंग तो नहीं आ रहा है ना, तो हमें वैल्यू को और चेंज करना पड़ेगा। तो लेट मी एंटर 20। ओके, तो ये ज्यादा हो गया, तो आई थिंक आई विल एंड अप एट 15 ओनली, फाइन। और मैं इसे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे 50 पे भी जो है हमारे पास एग्जैक्ट मैचिंग नहीं आ रही है। तो हम वापस से अभी इसे एडिट विथ रोल बैक में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू को कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि 18, एंड मैं आपको रिजल्ट को शो करता हूँ, नहीं ये ज्यादा हो गया, 16.5, एंड देन शो रिजल्ट। ओके, तो ये कुछ तरह ऐसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 16.16 ही रखता हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने मल्टीपल मेथड्स यूज किए हैं इस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से फीचर्स को क्रिएट करने के लिए, मतलब मैं ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया है। बट बेस्ट वे क्या होता है इन पर्टिकुलर फीचर्स को क्रिएट करने का, तो उसे हम हमारे कोर्स में इन डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस पे हमने फर्स्ट फीचर को जो है क्रिएट कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम जो है सारे डिफरेंट फीचर्स को क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिंग स्ट्रेटेजीज की मदद से, राइट। तो ये एक वीडियो था गाइज, डेमो वीडियो था आपको ये शो करने के लिए कि हम क्या डिफरेंट चीजें सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जितने भी मैंने मेथड्स यूज किए हुए हैं ये बेस्ट मेथड नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको कि इन पर्टिकुलर मेथड से भी कुछ बेस्ट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमने जो अलाइनमेंट की टेक्निक यूज की है उससे भी एक बेटर टेक्निक होती है अलाइनमेंट यूज करने के लिए, जो कि हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है अलाइनमेंट करते वक्त। तो वो क्या है, उसके लिए भी वो सीखने के लिए भी गाइज आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू।